नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर छपड़ता के यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, एक अंग्रेजी अखबार के एक कार्यक्रम के भीतर एक उभरते हुए नेता, यानी एक ऐसे उभरते हुए नेता जो जिसके तरफ कहते हैं ना कि सच में उसके तरफ पूरी देश की नज़रें टिकी हुई हैं, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद या चंद्रशेखर रावण जिसको कहते हैं, जहां मायावती बीएसपी जो बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो एक समय में पूरे देश भर व्याप्त थी, उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में सुप्रसिद्ध हो गई। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी या एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन, इन दोनों के इस युद्ध के भीतर, क्योंकि युद्ध के जैसा ही लड़ा जाता है, चाहे एक प्रतियोगिता कह ले, लेकिन इस पूरे अथि में बीएसपी जैसे पूरे कई सारे लोग, मायावती जैसे कई सारे लोग कहते हैं तिनके एक तरह उड़ गए। इतने भरे तूफान के भीतर नगीना जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिजनौर के भीतर, वहां पर पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद ने फॉर्म भरा, नामांकन दर्ज कराई, अपनी पार्टी के दम पर फॉर्म भरा और 5,12,052 वोट पाकर करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा की मार्जिन से चुनाव जीते 2024 लोकसभा चुनाव। यदि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उनको करीब करीब 1.19% वोट मिला। बीजेपी दूसरे नंबर पे थे 3,61,079 वोटों के साथ और समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पे जो 1,02,374 वोटों के साथ, और बीएसपी चौथे नंबर पे थी बिजनौर के भीतर नगीना विधान लोकसभा सीट, जहां पर मात्र 73,272 वोटों के साथ। इन सब का अगर टोटल भी कर लिया जाए तो भी चंद्रशेखर आज़ाद से कम पड़ता है, क्योंकि बीजेपी का 36%, समाजवादी पार्टी का 10%, सब यानी 10 सवा 10 और बीएसपी का मात्र, ये तब है जब पिछली बार बहुजन समाजवादी पार्टी का सांसद 2019 में वहां से चुनकर गया था। ये ताकत है चंद्रशेखर आज़ाद की। उनके अगर बात करें लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद सेगमेंट वाइज सभी विधानसभा के, तो करीब 5 जो विधानसभा लगती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर नगीना में, उसमें समाजवादी पार्टी के पास 3 है, बीजेपी के पास 2 है। इससे साफ स्पष्ट माइंड यही निकलता है कि कहीं भी कुछ नहीं, और उसके बीच में यदि अपनी सीट निकाल करके अगर लाई तो सच मानिए चंद्रशेखर आज़ाद का पावर को आप समझ सकते हैं। अब ठीक ऐसा ही ये जो पूरा एक कहते ना नया सूर्योदय हो रहा, जो पिछड़ों के बीच जो दलित नेतृत्व, दलित चेतना जिसमें तेज दिख रहा, उसको न पक्ष न विपक्ष न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्ष, इन दोनों जब चंद्रशेखर आज़ाद नेग्लेक्ट कर जाते हैं, अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो क्या इस बात को माने या फिर इंडिया अलायंस, चाहे राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर बिहार के आरजेडी के तेजस्वी यादव हो, या तमाम नेता शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, ये सारे लोग पिछड़ों और दलितों के नाम पर क्या मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर की बात करने वाले और दलितों की बात करने वाले एनडीए गठबंधन के नेता स्वयं विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, या फिर चंद्रबाबू नायडू हों, या फिर बिहार के नीतीश कुमार हों, जब ये दलितों की बात करते हैं तो क्या ये मगरमच्छ के आंसू निकालते हैं?
और ये आरोप इसलिए भी लगता है इन पर क्योंकि एक चंद्रशेखर आज़ाद ने जो एक अंग्रेजी अखबार में जो कहते हुए कहा कि मैं नया सांसद, जो एक्सेसिव लाइन थी ना पीछे, वहाँ बैठा रहा मैं 3 दिनों तक बैठा रहा, न पक्ष ने न विपक्ष ने, उनमें से कोई नहीं कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए। और 3 दिन के बाद हमने तय किया, न लेफ्ट न राइट, हम बहुजन हैं, अब हम अपनी माँओं के साथ खड़े रहेंगे। सरकार ने गलत किया तो विरोध करेंगे, अगर अच्छा काम किया तो उनकी समीक्षा करके फैसला लेंगे आखिर करना क्या, साथ देना या नहीं देना। आगे कहते हैं कि मेरे आदर्श कांसी राम जी ने एक बात बोला था, कांसी राम जी ने कहा था कि जो लोग भागदौड़ करते हैं वो समझौता नहीं करते, और जो लोग समझौता करते हैं, मैं समझौतावादी नहीं हूँ, मैं समझौता नहीं कर सकता। ये चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। मायावती के बारे में उन्होंने कहा कि मैं आदर के साथ उनका नाम लेना चाहता हूँ। एक पिछड़ी समाज की महिला एक राजनीति में टिकी हुई थी और मुख्यमंत्री बनी तो यकीनन उनमें दम था, लेकिन बाद में जैसा जैसा पार्टी का फोकस ही चेंज हो गया, और खासकर कई बार मिलने की चाह रखी उनसे, मिलने के लिए समय मांगा, मुझे समय नहीं दिया जाता था, दूसरी तरफ एक क्रिमिनल व्यक्तित्व के तौर पर मुझे नकारा जाता, मैं जेल में मरणासन स्थिति में पड़ा था लेकिन किसी ने सूद तक नहीं लिया। ये उस व्यक्ति के उद्गार कह सकते हैं जो 51% से अधिक मत पाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार चुनाव लड़के लोकसभा पहुंचा। ये वो उत्तर भारत का चढ़ता हुआ सूरज है दलित समाज के भीतर का, कि वहां के नेतृत्व, आखिर जिसने भी दलित समाज के नेतृत्व करने का प्रयास किया उसने इच्छा नहीं किया। कांसी राम जी पंजाब से सटे उत्तर प्रदेश में, और एक कहते हैं सपने और विजन के साथ आजीवन मेहनत करते रहे कांसी राम जी। वो सत्ता से दूर रहे लेकिन उन्होंने मायावती को सामने लाया, और बाद में मायावती जी सत्ता आई उनके साथ, सत्ता के साथ भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के साथ ईडी और फिर सीबीआई, और फिर इस डर से सत्ता में चूक उसके साथ नतमस्तक हो गए। यही कारण है कि जब अपने बलबूते में सत्ता में थी वहाँ पर, क्या राहुल गांधी को चंद्रशेखर आज़ाद दिखे नहीं? क्या अयोध्या के सांसद अयोध्या के जीत का जश्न मनाते हैं तो क्या ये कांग्रेसी समाजवादी पार्टी और बाकी इंडिया गठबंधन के जो लोग जो लगातार अपने आप को दलित और पिछड़ों का प्रतिनिधित्व का लेने की बात करते हैं, क्या उनकी में चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथ बैठने का न्योता नहीं दिया? चंद्रशेखर आज़ाद के क्या चाहते थे? एक बुलंद आवाज़,